रख दिया है आप एक कुछ दिन तक रहेगा, जब खाने का मन होगा। हे गाइस, इट्स मी मयूरी, आप सबको फिर से मेरा एक न्यू रेसिपी वाला ब्लॉग पर स्वागत है। और आज दोपहर में क्या बनाएंगे वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज एकदम अलग से एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो तब तक वीडियो में कंटिन्यू रहिए और देखते रहिए। और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे पेज सत्यग्रता पेज को फॉलो कर दीजिए। ये देखिए, आज बनेगा नीम पत्ता, नीम का पत्ता है ये, और बैगन का सब्जी। और इधर नीम पत्ता को अच्छे से धो के जो डंडी है इससे पत्ता को अलग कर रहे हैं और डंडी को इधर फेंक रहे हैं। ऐसे आज बनेगा ये रेसिपी, आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। नीम पत्ता और ये बैगन का सब्जी बनेगा, इसीलिए बैगन ले लिया हूँ और उधर नीम पत्ता लिया हूँ। अब इसको छोटा छोटा पीस करके काटूंगी। इधर देखिए, ये देखिए नीम पत्ता, और इधर देखिए जो बैगन है इसको छोटा छोटा करके पीस करके कट कर लिया हूँ। और इधर देखिए हमारा कढ़ाई में ये जो नीम पत्ता है इसको दे दिए है, ये सूखा एकदम कढ़ाई है, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। इधर देखिए नमक दे रहे हैं ताकि ये पूरा एकदम अच्छे से फ्राई हो जाए और क्रिस्पी पन इसमें आ जाए। और इधर देखिए बैगन में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला के इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। हल्का हल्का फ्राई हो रहा है, इसको अच्छे से फ्राई करना होगा। ये देखिए इतना सारा नीम पत्ता था, अभी कितना कम हो गया है। नीम पत्ता फ्राई हो गया है, पूरा एकदम ब्लैक ब्लैक हो गया है। देखिए एक भी ग्रीन वाला पत्ता नजर नहीं आएगा, ब्लैक ब्लैक हो गया है। अब इसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। देखिए ये पत्ता को उठा के माँ ये कटोरी में रख रहे हैं। देखिए बैगन दे दिया है, अब इसी कढ़ाई में बैगन फ्राई करेंगे। सर देखिए बैगन फ्राई हो गया है, अब इसमें वो जो नीम पत्ता था इसमें मिक्स कर रहे हैं। इधर देखिए जो नीम पत्ता था इसको पूरा नहीं दिए है भाजी में, इसको स्टोर करके माँ रख दिए है आप एक कुछ दिन तक रहेगा, जब खाने का मन होगा इसको निकाल के फिर बैगन या किसी के साथ खाना होगा इसको खा सकते हैं। ये देखिए नीम पत्ता और बैगन का भाजी रेडी हो गया है। और आप लोगों को रेसिपी कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएंगे, और आप लोग भी घर पे ट्राई करके देखिए। ये देखिए वो जो नीम पत्ता था ये चावल के साथ इसको मिला के, ये देखिए वो नीम पत्ता चुप कर पे, ये देखिए नीम पत्ता खाओ हाथे करो, ये देखिए नीम पत्ता और वो जो बैगन का भाजी बनाए थे उसको ये देखिए चावल के साथ मिला के इधर माँ खा रही है। इधर देखिए ये नीम पत्ता और बैगन का भाजी जो बनाए थे ये ऐसे चावल के साथ मिला के खाते है। तेज़ लग जाए ना घी नीचे। देखिए आप लोगों के साथ जो नीम पत्ता और वो बैगन का भाजी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, और वो रेसिपी आप लोगों का अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। और ये जो नीम पत्ता और बैगन का भाजी चावल के साथ जब खाएंगे उसमें थोड़ा सा हल्का सा चावल में घी रख के खाएंगे तो और भी स्वादिष्ट लगता है। मैं तो ज्यादा नहीं खाती हूँ क्योंकि बहुत ही कड़वा है, तो आप लोग भी घर पे ट्राई करिए और कमेंट करके बताइए कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पेज पे तो पेज को फॉलो कर दीजिए। आज का ब्लॉग मैं खत्म करती हूँ, तब तक टाटा।